As you know, data mining is all about dealing with huge amount of data. अब डेटा माइनिंग में हमारा फोकस ये है कि जो हमारे पास डेटा मौजूद है उसे अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें और फिर अननोन डेटा की प्रडिक्शंस करें. अब जब ये हमारी ख्वाहिश को देखते हैं तो देर इज़ अ नीड ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड वेन एवर द डेटा इज ह्यूज इट टेक्स प्रॉब्लम्स विद इटसेल्फ. वन बिग प्रॉब्लम इज हेट्रोजेनिटी. हेट्रोजेनिटी से मुराद है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है इट इज ऑफ डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज. यहां पर हम ये देखेंगे कि डेटा को जब हमने डील करना है तो उसके लिए कौन से प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं. प्री प्रोसेसिंग से मुराद ये होता है कि डेटा को हमने कैसे क्लीन करना है, नीट करना है, सफाई करनी है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड इट्स एडवांटेजेस. डेफिनेशन वाइज वी कैन इजिली से दैट डेटा प्री प्रोसेसिंग इज अ मैकेनिज्म और प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ डेटा इन टू अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट. रिक्वायर्ड फॉर्मेट से मुराद क्या है, जिसके ऊपर हम अपने एल्गोरिदम्स अप्लाई कर सकें और रिक्वायर्ड रिजल्ट जनरेट कर सकें. और इसमें हमारे पास हो क्या रहा है कि जो हमारे पास अटेंड, गिवन, एक्वायर्ड और अवेलेबल डेटा है उस पर हम डिफरेंट क्लीनिंग के एल्गोरिदम्स लगाएंगे और फिर ये देखेंगे कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जनरेट हो रहा है या नहीं. अच्छा, अब हम क्यों डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों करते हैं. बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि डेटा हो और उस पर हम डेटा माइनिंग की एप्लीकेशन लगाएं. अगर डेटा हमारा नॉइजी होगा, क्लीन नहीं होगा, तो देयर वुड बी नो गुड क्वालिटी ऑफ डेटा. और अगर डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो देयर आर नो गुड रिजल्ट फॉर डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स. और अगर हमारे पास डेटा माइनिंग या डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं है या डेटा माइनिंग के रिजल्ट्स नहीं है तो इट कैन नॉट लीड अस टू जनरेशन ऑफ क्वालिटी डिसीजंस. कि जो हम डिसीजन करेंगे, जो प्रेडिक्शंस करेंगे, बिकॉज डेटा वाज नॉट गुड, जो हमने डिसीजंस किए या प्रेडिक्शंस की दोज विल ऑल्सो नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और अच्छे यानी कि रिजल्ट हम जनरेट नहीं कर पाएंगे. अब होता क्या है कि जो भी हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा है इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स डर्टी. डर्टी क्यों होता है, सेवरल रीजंस फॉर दैट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रीजन, दैट इज नॉइजी डेटा. नॉइजी डेटा क्या होता है, नॉइजी या नॉइज को कैसे डिफाइन करते हैं. नॉइज इज समथिंग विच इज अनवांटेड. कि कोई भी हमारे पास डेटा है तो ऐसी चीज जो अनवांटेड है, जो हमारे लिए यूजफुल ना हो, उसे हम नॉइज कहते हैं. अब कहां से आता है ये सबसे कॉमन तरीका ये है कि जहां जब हम डेटा को अटेन कर रहे हैं तो उस वक्त हमने जब डेटा को राइट किया, अटेन किया, एक्वायर किया, उस वक्त हमारे पास डेटा में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नॉइज अक्कर होते हैं. इसी नॉइज की मदद की वजह से हमारे पास हमारे डेटा में एरर्स जनरेट होते हैं या आउटलायर्स आते हैं. मूविंग ऑन इनकम्प्लीट डेटा. इनकम्प्लीट डेटा से मुराद क्या होता है, ऐसा डेटा जो कंप्लीट ना हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी फॉर्म को फिल कर रहे थे और कुछ वैल्यूज हमने मिसिंग कर दी, तो ये एक इनकम्प्लीट डेटा होगा जिसकी मदद से हम प्रेडिक्शंस बना करने के लिए हमें मुश्किल होगी. तो अब इसके लिए हमें क्या होगा कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हो सकता है जो जरूरी हो और हमारे डेटा में वो मौजूद ना हो, तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जो हम इन फ्यूचर स्लाइड डिस्कस करेंगे. लेकिन वन ऑफ द मैकेनिज्म इज हेयर रिटन हेयर, सच एज वी कैन एग्रीगेट अदर डेटा टाइप्स टू फिल इन दैट मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा. एंड देन फाइनली वी हैव इनकंसिस्टेंट डाटा. इनकंसिस्टेंट डाटा से मुराद क्या है, ऐसा डाटा जो मौजूद होता है लेकिन वो एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट नहीं होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर फॉर्म में कहीं पर हम वर्ड यूज करें डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेट्स से डेट ऑफ बर्थ यूज कर लें और कहीं पे एग्जैक्ट एज लिखना शुरू कर दें, तो अब होगा क्या कि हमारे पास जो डेटा होगा इनकंसिस्टेंट होगा. सेम इन्फॉर्मेशन विल बी शोन बाय टू डिफरेंट नंबर्स. लेट्स से यहां पर मैंने एक और एग्जांपल दी है ग्रेडिंग की, कि रेटिंग के लिए हम ये कहते हैं कि यार हमारे जो ग्रेड्स हैं दे कैन बी ए बी सी या 1 2 3. तो अब ये दोनों सेम इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं लेकिन होगा क्या कि हमारी डेटाबेस को जहां पे हम डेटा को सेव कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको ये खराब करेंगे इनकंसिस्टेंसी की वजह से कि कहीं पे हम 1 2 3 यूज कर रहे हैं और कहीं पर ए बी सी.